यूपी ट्रिपल एससी पेट में लागू कुछ नए नियम, ठीक है, और अगर नहीं ये नियम लागू हुआ तो हो सकता है सभी का नुकसान। तो चलिए हम आपको पूरे नियम को ध्यान समझाते हैं, वीडियो को ध्यान सुनिए, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। पीईटी में कौन विशेष नियम लागू होंगे, ठीक है, सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि इसमें जो है 0.25 का वो है नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, 15 व 16 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 15 व 16 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है, आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार यदि यह परीक्षा एक से अधिक पाली में आयोजित की जाती है, माने 2 पाली या 3 पाली, क्योंकि फॉर्म बहुत पड़ गया है और ये पक्का है कि 15 और 16 अक्टूबर अगर 2 दिन होगा तो ये 2 पाली में पेपर होगा, ठीक है। इसमें सामान्यीकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन, किसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू की जानी है, अधिक पारियों में आयोजित किया जाएगा, इसलिए इसमें सामान्यीकरण की व्यवस्था पूरी तरह लागू करने की क्या है उम्मीद है। मतलब हम आपको बताएं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होने का पूरा पूरा चांस रहेगा, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा तो बहुत लोग का बेकार हो जाएगा, बहुत लोग का नुकसान होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बताएंगे किस पैटर्न पर होगी परीक्षा, आप जानते ही हैं, लेकिन हम एक बहुत विशेष चीज़ बताने वाले हैं, ठीक है, कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या दिया है, 2 अपठित पैसेज। पैसेज को जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप समझ के जाएंगे तो पैसेज आपको अच्छा आएगा, ठीक है। हमारे पास 25 से 30 पैसेज इंग्लिश के भी हैं, 25 से 30 पैसेज हिंदी के भी हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के ही है, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको जरूर इस वीडियो को दे देंगे, बना करके हर एक पैसेज को समझा करके वीडियो दे देंगे, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज जरूर कमेंट करिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।